सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल ब्लैक स्प्लेंडर 2022 मॉडल, जो कि कंपनी ने इसमें जो कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं, उन फीचर्स के बारे में आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे, ठीक है। और आपको जो है बाइक्स की जानकारी मेरे चैनल पर जो है मोस्टली मिलती रहेगी, क्योंकि मैं बाइक्स के बारे में जो वीडियो बनाते रहता हूँ। जैसे जैसे कंपनी नए नए फीचर्स जो है अपलोड करती है, ऐड करती है किसी भी बाइक में, तो उसके बारे में आपको इस कंपनी इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में आपको सबसे पहले मैं एक बात बताऊँगा। जैसे इस कंपनी हीरो कंपनी ने हीरो की गाड़ी में स्प्लेंडर में ये जो फीचर्स ऐड किया है, ये है साइड स्टैंड के ऊपर लेकर। या कभी कभी क्या होता है, जब हमारी गाड़ी होती है साइड स्टैंड लगा रह जाता है, तो क्या है हम ऐसे चल देते हैं और उससे क्या होता है, उससे दुर्घटना भी हो जाती है, ठीक है। तो अब कंपनी ने इस चीज़ को दुर्घटना को देखते हुए, जैसे कभी कभी साइड स्टैंड लगा रह गया, कहीं ब्रेकर से निकलने तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो, तो चोट लग जाती थी। लेकिन अब जो है क्या, अगर हमारी गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को, अगर हमारी गाड़ी गियर में है, जैसे मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे देखो, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे क्या है, ये मैंने गियर में डाल देता हूँ, यहाँ पे गियर में डाल दी, और मेरी गाड़ी का अगर साइड स्टैंड लगा रह गया, ठीक है, साइड स्टैंड लगा रह गया, गाड़ी गियर के अंदर है, मैं इसके यहाँ स्टार्ट करूँगा तो देखो स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। इग्निशन ऑन है और तब भी स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर मैं इसी साइड स्टैंड को यहाँ से इसको ऊपर कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, ये बाइक देखो तुरंत स्टार्ट हो रही है। तो ये बहुत ही बेस्ट फीचर्स है इसके अंदर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया फीचर्स दिया कंपनी ने। इससे क्या है, हमें क्या बेनिफिट है, इससे क्या जो है हमारे एक्सीडेंट होने से और दुर्घटना जो होने हो जाती है किसी किसी के साथ, उनसे हमें बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, ये जो बाइक है इसमें एक फीचर्स बहुत ही बेस्ट है। जैसे हम लोग घर से निकलते थे, कभी कभी क्या होता था, हम चार्जर घर भूल जाते थे, ठीक है, चार्जर घर भूल के तो फ़ोन हमारा जो स्विच ऑफ हो जाता था, डाउन हो जाता था। इसमें ये है, कंपनी ने इसमें लेटेस्ट में 2022 में जो है ये चार्जिंग का जो फीचर्स है ना, आपको इसमें ऐड करके दिया है। इससे क्या, आप डाटा केबल लगा के गाड़ी के अंदर यहाँ पे जो है चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, चार्जिंग पॉइंट यहाँ से हो जाएगा। और जैसे पूरी चार्ज करें, पूरी गाड़ी जैसे है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो इसमें क्या है, इसमें आपको 100 cc का तो जो है इंजन है, पहले वाला ही सेम जो जैसे गाड़ी में होता था, ठीक है। इसमें दो चीज़ ऐड की है कंपनी ने, एक तो ये साइड स्टैंड के बारे में आपको मैंने बता दिया, और एक ये चार्जर है, ठीक है, चार्जर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और i3s के बारे में आपको पता ही, ठीक है, जैसे इसका ये i3s है, i3s जो SC से 90 डिग्री सेल्सियस के बाद और 1 से 2 किलोमीटर के बाद जो है चलाने के बाद काम करता है, ठीक है। i3s की वर्किंग इसमें ये है, ये भी पुराना फीचर है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको फिर भी बता दिया। इसमें सबसे मेन फीचर क्या है, गाड़ी के बैलेंस को लेकर के, इसमें क्या है, कंपनी ने जो है आपको कॉम्बी ब्रेक दिया है। इसमें कॉम्बी ब्रेक का फीचर्स हमारा ये है, जैसे हम गाड़ी के जो है ब्रेक लगाते थे पहले, तो क्या है, गाड़ी ब्रेक लगाने से एकदम से स्लिप होती थी। अब क्या है, अगर हम आगे का ब्रेक भी लगाएंगे ना गाड़ी में आगे का, तो आगे का भी 70% और पीछे का 30% जो है ब्रेक लगता है इसमें। इससे क्या, गाड़ी एकदम अचानक से भी ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी जो है बैलेंस बना रहता है, तो IBS ब्रेक से में ही बेनिफिट है। और ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट कर लेना, भाई अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद।